जनूबी पंजाब से भी अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम सिंध का रुख कर रहे हैं तो जगह जगह तबाही के मनाजिर हैं। वहीं हमने देखा था कि बलूचिस्तान में जो कोक स्टूडियो फेम सिंगर थे उनका घर मलियामेट हो गया था। इसी तरह काजी अहमद के गुलकार हैं उस्ताद जमाली शदीद मुतासर हुए हैं, घर सामान सब कुछ डूब गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। अपने दर्द को उन्होंने अल्फाज में पिरोया है और हुक्मरानों से मदद की अपील वो कर रहे हैं। संजय साधवानी के साथ मौजूद हैं। संजय बताइए, सैलाब से हर कोई मुतासर हुआ है, मैं सर काजी अहमद में मौजूद हूँ, यहाँ के फनकार भी मुतासर हुए हैं। उस्ताद है हमारे साथ जमाल साहब, जो इस इलाके के इस खत्ते के अच्छे फनकार हैं और मौसीकी हमेशा लोगों का दर्द भी बांटते हैं, दुख सुख में साथ होते हैं, लोगों की खुशियों में चार चांद लगाते हैं। आज जब बारिश पड़ी है तो कोई इनका परेशान हाल नहीं है, सिंध हुकूमत हो या मुखैर हजरात हो या फिर जिनकी महफिलों में इन्होंने रौनकें बिखेरी वो भी इस मुश्किल हालात में इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। उस्ताद साहब पहले हमें आप बताएं ताकि लोगों को लगे कि कितना दर्द है आपकी आवाज में। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, जे क्यों मेरी कभी कब्र पे रो रहा था बेवफा, आंखें उनकी जब खुली हैं जब ये दुनिया छोड़ दी, इतने दिन था वो कहाँ क्या सो रहा था बेवफा। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। अच्छा, ये बेवफा किसी अपने आशिक को नहीं कह रहा, ये हुकूमत वक्त को बेवफा कह रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने वोट दिए, जो हुक्मरान जिनको इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए मुश्किल हालात में, वो इन्हें छोड़कर चले गए। वो जब बाद में जब आएंगे ना कब्र पे, तो हमारे हुक्मरान कब्र पे नहीं आते लेकिन वोट लेने जरूर आते हैं। फिर आपके या कोई मर गया हो, साल पहले मरा हो, लेकिन उसकी भी फाता करने आ जाते हैं। तो हुक्मरानों, आपको इस फनकार के जरिए ये अपील है इन सब देहातियों की जिनके घर यहाँ पानी में डूब चुके हैं, बह गए, वो कह रहे हैं कोई इमदाद करें, मदद करें, जो आप कुछ कर सकते हैं वो करें।